और इंद्रजीत के सामने सियासी मैदान में उतरे गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर बड़े गुरुद्वारे पहुंचकर नतमस्तक हुए और अरदास की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर निशाना साधा और कहा कि वो चार बार सांसद रहने के बाद भी जनता के बीच में नहीं गए, इसीलिए जनता उनकी शिकायत कर रही है। साथ ही साथ राज बब्बर ने ये भी कहा कि अगर मुझे गुरुग्राम की जनता का प्यार मिला तो मेरा आशियाना गुरुग्राम में ही होगा। यहाँ तो सिर्फ सर झुकाने के लिए आते हैं कि हमें हिम्मत देना। हम जो सेवा और कीरत और लंगर जो तीन गुरु के जो एक मुख्य मंत्र है, उनसे यही मांगा कि सेवा करने का मौका देना और कीरत यानी काम करने का मुझे हिम्मत देना और सबके साथ में मिल बैठ के उठ सकूं, वंड खाओ खंड खाओ इस नीति से चलने वाले इस बाबा गुरु नानक के दरबार में आके मैंने सिर्फ यही मांगा है कि मुझे इस लायक बनाना कि मैं लोगों के बीच में रह के काम भी कर सकूं और उनके साथ में मिलजुल के उनकी खुशियां बांट सकूं। मतलब 13 दिन रह गए हैं मात्र अब चुनाव के लिए, दिन प्रतिदिन चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है, किस तरह का माहौल अब आप देख रहे हैं धरातल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों से